जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर लगातार खबरें आ रही हैं, कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही है या कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ बाजारों में घूमती नजर आ रही है, इसी के चलते कुछ धार्मिक संगठन द्वारा मारपीट के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर मुरादाबाद के मुस्लिम धर्म गुरु और भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना नाजिम अशरफी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए तालिबानी फरमान जारी किया गया है। मौलाना नाजिम अशरफी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां बाजारों में ना जाएं। अगर दुनिया में कोई बुरी जगह है तो वो बाजार है, इसलिए मुस्लिम लड़कियों को बाजारों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाजारों में जाने से एक दूसरे पर निगाहें पड़ती हैं। अगर फतवा दिया जाता है तो फतवा बातिल पर दिया जाता है, गैर बातिल पर नहीं। अभी हमारे मुरादाबाद में शायद एक दो मामलों में इसमें FIR हुई है कि कहीं ना कहीं अगर कोई लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ बैठकर जा रही है और कुछ युवाओं ने नौजवानों ने उनको रोका और उनके साथ बदतमीजी वगैरह की है तो मुकदमा भी लिखा गया है। ये मेरे ख्याल से तो इसमें बहुत बड़ी गलती, अगर मैं मानता हूँ तो बच्चियों के गार्जियंस की मानता हूँ और उनके वालिदैन को ये चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ पर है, कहाँ जा रही है, कितना देर उसको हो गई घर से निकले हुए और कितना देर में वो वापस आना थी, अभी नहीं आई है, तो उनको फिक्रमंद इसके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि कोई हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम बेटी या मुस्लिम लड़की अगर बाइक पर जा रही है तो उस पर ही एतराज़ क्यों, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर अब अगर किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोई हिंदू बेटी जा रही है उस पर भी एतराज़ क्यों, ये दोनों चीज़ें हिंदू मुस्लिम मुद्दे से या उस नज़रिए से ना देख करके मेरे ख्याल से हमें ये सोचना चाहिए कोई भी जवान बेटी किसी जवान लड़के के साथ, वो हिंदू की भाई की हो या वो मुस्लिम भाई की हो, जा ही क्यों रही है। अगर उसका कोई जायज़ मामला है, उसका कोई जायज़ काम है या उसके घर वालों ने उसे भेजा है, फिर भी घर वालों को चाहिए कि किसी अजनबी जवान के साथ, किसी अजनबी नौजवान के साथ अपनी बेटी को इस तरह से ना भेजें और हम अपनी बेटी का ख्याल रखें, उसे अपने उसका होश रखें कि हमने इसके साथ भेजा है, तो इस तरह की घटनाएं शायद सामने नहीं आएंगी। ये सब हमें देखना और सोचना पड़ेगा। और एक इंटरव्यू में कहा था कि बेटी कोई भी अगर जवान लड़की है या जवान लड़का या कोई औरत है या कोई आदमी है मर्द है, तो किसी अजनबी ने अगर किसी अजनबिया को देखा ये भी हराम है, और किसी अजनबिया ने किसी अजनबी को देखा अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये भी हराम है। तो हम किसी इसमें महरम और गैर महरम का मसला है, हम किसी भी गैर महरम को नहीं देख सकते हैं, कोई गैर महरम हो सके तो हमें ना देखे। देखिए हमने अगर अचानक किसी को अगर देख लिया, इसीलिए तो इस्लाम में आया है या और भी धर्मों में ये चीज़ है कि बाजारों में ना जाएं, सबसे बुरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार को इरशाद फरमाया कि सबसे बुरी जगह दुनिया में है तो बाजार है। बाजार में जाने का मतलब यही है, आप अगर बाजार जाएंगे, आप घर से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई गैर मर्द मिलेगा, आपकी उस पर नज़र जाएगी, उसकी आप पर नज़र जाएगी, तो ये सब एक तरह से हराम काम में शुमार हो जाएगा। अब ये नहीं आपको देखा जाएगा कि आप जान पूछ के ये चीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फतवा जो जाहिर पर लगता है बातिन पर नहीं। हाँ, अल्लाह दिलों के हाल बेशक जानता है, मगर जो फतवा दिया जाता है वो जुबान पर दिया जाता है। अब देखिए कोई बेटी हिंदू है या बेटी मुस्लिम है, यहाँ बेटी है, भारतवर्ष की बेटी है, हमारे मुल्क की बेटी है, और बेटी बेटी होती है, वो बेटी किसी की भी हो, तो बड़ा एक दुखदाई ये मसला है, बड़ा दुख का मसला है और बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम इस चीज़ को इसमें कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार बात दोहराऊंगा कि मेरे हिसाब से कमी इसमें जो गार्जियंस की है, वालिदैन की कमी है, वो क्यों किसी अजनबी लड़के के साथ अपनी बेटी को भेज रहे हैं, क्यों किसी गैर महरम के साथ भेज रहे हैं। हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखें कि भाई हमने किसी के साथ क्यों अपनी बेटी को भेज दिया, या हमारी बेटी कहाँ है, कितनी देर से गायब है, क्यों नहीं वो अभी आई है, उसको छुट्टी कॉलेज से अगर उसकी हो गई तो आ जाना चाहिए था, तो हम उसको फ़ोन वगैरह आजकल सबके पास है, उसको हम कॉल करके पता कर सकते हैं। तालिबानी फरमान नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मैंने ये कहा कि हाँ वो इस चीज़ पर बहुत ही बाज रहे हैं कि अगर जा रही हैं तो पर्दे के अहतमाम करें, पर्दे में जाएँ। और देखिए जहाँ तक बहुत ज़रूरियात का सवाल है, अगर कोई ज़रूरियात की चीज़ खरीदने जा रही है, अगर कोई महिला जा रही है तो उसके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने घर के अखराजात के लिए बाजार जा सकती है, खरीद सकती है, ये इसका मसला नहीं है कि बिल्कुल उसमें ना जाए वो बाजार। लेकिन एक जवान बेटी आखिर क्यों, वो बेटी तो मैंने तो कहा बेटी है ना देश की, वो हिंदू की बेटी है, ईसाई की है, सिख की है, मुस्लिम की बेटी तो बेटी है। यहाँ ये मसला नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए क्यों किसी हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम की बेटी है और क्यों किसी मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू की बेटी है। और मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, खासतौर से उन बेटियों को भी ये शर्म आनी चाहिए
कि वो इस चीज को क्यों किसी गैर लड़के के साथ जा रही है, जिसको अब कहीं किसी ने रोक लिया तो उसको बता रही है, ये तो हमारा फ्रेंड है, ये तो मेरे घर जैसा है, ये तो मेरे भाई जैसा है, मेरे मोहल्ले का ही रहने वाला है। तो अगर वो वाकई उसके मोहल्ले का रहने वाला तो क्या उसके माँ बाप या उसके गार्जियंस वाले दिन उसको नहीं जानते। मौलाना ने लड़कियों और लड़कों के वालिदैन को हिदायत देते हुए कहा कि अगर आपके बच्चे घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहें, और समय पर वापस नहीं आते हैं तो वालिदैन उनसे मालूमात करें घर क्यों नहीं आए हैं।